हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ चावल के आटे का स्क्रब और दही को फेस पे लगाने के फायदे और फेस पैक बताऊंगी मैं दही के। तो आइए फ्रेंड्स मेरे साथ। तो मेरे पास चावल का आटा है। फ्रेंड्स, चावल का आटा लेते समय आप ये जरूर देख लेना कि वो बहुत ही बारीक होना चाहिए। तो मैं चावल का आटा लूंगी, इसमें आधा चम्मच और मैं लूंगी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल है तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल एलोवेरा ले सकते हैं, जेल निकाल सकते हैं उसका। अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप बाजार से भी मंगवा सकते हैं एलोवेरा जेल। तो मैं आधा चम्मच एलोवेरा जेल भी लूंगी। इतना काफी है। अब मैं इसमें रोज वाटर यूज करूंगी। आपको 2 चम्मच डालना है रोज वाटर। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर आप इसमें हनी ऐड कर दीजिए मॉइस्चराइजिंग के लिए। आधा चम्मच हनी भी इसमें और कम से कम इसे हमें 10 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देना है। अब मैं आपको दही के फायदे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं दही में जिंक होता है जो कि कील मुहासे को रोकता है और हमारे स्किन को बेदाग करता है। जैसे कि हमारे फेस पे डार्क सर्कल और झाइयां के निशान हो जाते हैं और काले काले पिंपल्स के एक्ने के जो निशान होते हैं उसे भी ये बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। तो आपको हफ्ते में 2-3 बार करना चाहिए चावल का स्क्रब और दही का फेस मास्क। तो हम दही का फेस मास्क बनाएंगे। तो हम दही लेंगे, कम से कम 1.5 चम्मच काफी है। अब दही में हम डालेंगे हल्का सा एलोवेरा जेल, बस काफी है इतना। और हल्का सा हम इसमें हनी ऐड कर देंगे, बस काफी है इतना। इसे अप्लाई करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन कर लेना चाहिए नॉर्मल पानी से। मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है। अब मैं स्क्रब करूंगी। सर्कुलर मोशन में आपको अपने पूरे फेस पे करना है, ज्यादा तेज से नहीं।
तो मैंने स्क्रब कर लिया अपना फेस क्लीन करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है पानी से, अब मैं फेस पैक लगाऊंगी इस ब्रश से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है या फिर आप ब्रश से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप उंगली से भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स में लॉरिक एसिड होता है, तो आप इसे हफ्ते में 2-3 बार करेंगे तो आपकी जो भी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि दही में बहुत सारी अच्छी बैक्टीरिया होते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और आने वाले प्रॉब्लम को भी ये बहुत जल्दी से रोकता है। तो मैंने लगा लिया, कम से कम मैं 10 मिनट तक रखूंगी सुखा के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा फेस मास्क सूख चुका है, तो मैं इसे क्या करूँगी, गुलाब जल मेकअप रिमूवर पैड से क्लीन करूँगी अपने फेस को। तो रोज वाटर हल्का सा मेकअप रिमूवर पैड में डालना है, ज्यादा नहीं। डालने के बाद हल्का सा इस तरीके से टैप कर लीजिए। टैप कर लेने के बाद आपका जो फेस मास्क है वो हास नहीं होगा आपके फेस पे, आराम से धो सकोगे अपना फेस। तो फ्रेंड्स मैंने अपने फेस को क्लीन करने जा रही हूँ, फिर आपको अपना फेस दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपना फेस नॉर्मल पानी से क्लीन कर लिया है। आप चाहे तो अपने नेक पे भी लगा सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा मेरी वीडियो तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को क्लिक करके। मेरी हर आने वाली वीडियो का आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड